नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिभा दुबे और मेरी जो पोइट्री है वो मैंने लिखी है अपने मोहल्ला वासियों के लिए। वो क्या है ना, हम अपनी सिटीज़ तो स्मार्ट बना सकते हैं लेकिन मोहल्ले नहीं। हमारे मोहल्ले ऑलरेडी इतने एडवांस हैं ना कि वो आपके कपड़ों को देखकर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार कर लेते हैं। तो मेरी जो पोयम है उसका टाइटल है क्रॉप टॉप। शुरुआत करते हैं। देखा, दुबे जी की लड़की आज फिर क्रॉप टॉप पहन के आई है। हाय, इस लड़की ने तो शर्म है या बिल्कुल बेच खाई है। अरे, कपड़ों की कमी है क्या जो नंगी कमर दिखाती है? अरे भाभी, यही लड़कियां तो लड़कों को उकसाती हैं। पता नहीं ऐसे कहाँ जाती है, कभी कभी तो घर से सुबह निकलती है, शाम को 5-6 बजे घर आती है। अरे वो तो उसकी मम्मी बता रही थी कुछ ओपन में करती है। बड़े प्राउडली कह रही थी मेरी बिटिया कविताएँ लिखती है। कविता कविताएँ लिखती है? भाभी, कविता लिखने के बदले तो आजकल मूँगफली भी नहीं मिलती है। नहीं, मेरा चिंटू बता रहा था। वो क्या कहते हैं, हाँ आजकल फेसबुक और यूट्यूब पे बड़ी छाई है। अभी कुछ दिन पहले ही तो अखबार में इसकी फ़ोटो आई है। फ़ोटो देखी थी वो फ़ोटो, 10-12 लड़कों के बीच खड़ी होकर फ़ोटो खिंचवाती है। अरे यही लड़कियां तो घर वालों की नाक कटाती हैं। पता नहीं कहाँ मुँह काला कराती है और घर वालों कोई गलती से पहचान ना ले इसलिए अपना चेहरा दुपट्टे से बांध के जाती है। खैर, हमें क्या करना, अब इन्हें कौन समझाए। मगर एक बात है, ऐसी लड़की को कोई अपने घर की बहू ना बनाए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने और मेरी जैसी बहुत सी लड़कियों ने अपने मोहल्ले वालों के मुंह से सुनी होंगी राह चलते। तो मुझे लगा इनको जवाब देना चाहिए और जवाब कुछ इस तरीके से है कि इंतकाम बाकी है, अभी कुछ हिसाब बाकी है। वे पीठ पीछे जो ताने जो फप्तियाँ कसी हैं ना, उनका जवाब बाकी है। वो क्या है ना, मेरे घर वालों ने मुझे शिक्षा और संस्कार दोनों दिए हैं जिसकी बदौलत हम अपने पैरों पर खड़े हैं। और मैंने माना मेरे कपड़े थोड़े छोटे हैं लेकिन ये आपकी सोच से काफ़ी बड़े हैं। मेरा मानना है जो डिग्निटी होती है ना वो कपड़ों में नहीं पहनने वाले में होती है। अगर आप में डिग्निटी है तो आप छोटे कपड़े भी अच्छे से कैरी कर लेंगे, और डिग्निटी नहीं है तो 5 मीटर की साड़ी लपेट कर भी आप अश्लील नज़र आएंगे। तो माना ये जींस टॉप के बीच 1.5 इंच का गैप बेशर्मी है, बेहयाई है, थोड़ा सा अजीब है। लेकिन ये साड़ी ब्लाउज के बीच जो 6 इंच का गैप है ना, वो कहाँ की तहजीब है। और ये जो मुंह पे बंधे दुपट्टे हैं ना, ये मुंह पे बंधे दुपट्टे हमें बस धूप धूल मिट्टी से बचाते हैं। अरे ये क्या हमारा चेहरा छुपाएंगे, हमारे घर वाले इस चेहरे से ज़्यादा तो ये दुपट्टा पहचानते हैं। अब अगर उनके लिए कुछ ना कहा तो ये जवाब अधूरा रह जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि उनका चिंटू मेरा ये जवाब उन तक ज़रूर पहुँच जाएगा। तो आप पूछेंगे कि मैं कविताएँ क्यों गाती हूँ, तो माना ये कविता के बदले मूँगफली भी नहीं आती है, लेकिन ये कविता मेरे विचारों को आवाज़ दिलाती है, सैकड़ों की भीड़ में मुझे इस मंच तक लाती है, और सबसे अच्छा तो ना सही लेकिन आप जैसे उसे कहीं बेहतर बनाती है। आप अब भी अगर पूछेंगे मैं कविताएं क्यों गाती हूँ, तो सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ। जितना आपका चिंटू एग्ज़ाम में नंबर लाता है उसका 10 गुना ज़्यादा क्राउड मेरी कविता सुनने आता है। है सूट है लहंगा है साड़ी मेरी मर्जी क्रॉप टॉप पहनूं, सांस क्यों अटके तुम्हारी। अंत में बस दो लाइनें अपने मोहल्ला वासियों को हृदय से निवेदित करना चाहूँगी कि वो मेरे कपड़ों से मेरी तहजीब का अंदाज़ लगाते हैं, मैं जिससे मुस्कुरा के कर लूँ बात उसे मेरा महबूब बताते हैं। शुक्रिया।